हाय गाइस, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल सुपरस्टार। आज मैं एक वाटर पंप बनाने वाला हूँ। चलिए तो शुरू कर दे। तो फ्रेंड्स, ये वाटर पंप बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी वाल्टिव की और बॉटल की। इस बॉटल के अंदर हम इस वाल्टिव को फिक्स कर देंगे। इस बाल्टी को हम यहाँ पर फिक्स कर देंगे। बाटल के अंदर हम सोल्डर आयरन की मदद से छेद कर देंगे। और राइट फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने छेद कर दिया है। अब बाल्टी के ऊपर हम एक रबड़ का वासर लगाएंगे। अब इस बाल्टी को हम छेद वाली जगह में लगा देंगे। और राइट फ्रेंड, इसे मैंने लगा दिया है। अब इस बाल्टी के ऊपर हम एक और रबड़ का वासर लगा देंगे ताकि पानी कहीं से भी लीक ना हो। और अब हम इसके लिए फ्लास्क की सहायता से अच्छे से कस देंगे। इसके बाकी के हिस्से हम इसमें लगा देंगे। और राइट फ्रेंड, अब इस बाल्टी को हमने इस बॉटल के अंदर अच्छी तरीके से लगा दिया है। अब इस ढक्कन के अंदर हम इस क्लैंप को फिक्स कर देंगे। इसके लिए मैंने पहले से ही ढक्कन को तैयार कर लिया था। अब ये इसके अंदर आसानी से फिक्स हो जाएगा। अब इसे हम फेविक्विक की सहायता से अच्छी तरीके से चिपका देंगे ताकि कहीं से भी पानी लीक ना हो। अब इसके अंदर हम पानी को भर देंगे। और राइट फ्रेंड्स, पानी को भरने के बाद हम बॉटल के ढक्कन को लगा देंगे। और अब ज़रूरत पड़ेगी हमें नोजल की, जो कि खेतों में दवाई डालने वाले पंप में लगी होती है। और अब इस नोजल को इस क्लैंप से कनेक्ट कर देंगे। और राइट फ्रेंड, इसे हमने कनेक्ट कर दिया है। अब जरूरत पड़ेगी हमें पंप की, और पंप को हम बाल ट्यूब से कनेक्ट कर देंगे।
पूरी तरह से तैयार हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाटर से ये पंप कनेक्ट है और दूसरी तरफ ये वाटर से ये नोजल कनेक्ट हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर हवा भरता हूँ। इसके अंदर मैंने काफी हवा भर दी है और ये काफी हार्ड भी हो चुकी है। अब जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा इसके अंदर से धुआं निकलेगा। जी देखिए, ये बिल्कुल उसी तरीके से काम कर रहा है जिस प्रकार से खेतों में दवाई डालने वाले पंप काम करते हैं। ये देखिए, तो फ्रेंड्स इससे आप अपने बगीचे में कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव भी कर सकते हैं और पेड़ पौधों के लिए पानी भी दे सकते हैं। तो है ना कमाल की चीज। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो फिर से मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।